महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। 7 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। आज सेवा दल की ओर से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। देखिए ये ऊँट गाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही होगी, इन ऊँट गाड़ियों पर बैठकर जो देखिए आगे ही आगे सीट पर जो है महिलाएं बैठी है वो सेवा दल की महिलाएं हैं। सीधे तौर पर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन की बात कही जा रही है और ये हाथों में पोस्टर देखिए, महंगाई इस कदर बढ़ेगी तो बिटिया स्कूल में कैसे पढ़ेगी। स्कूल जाते हो नहीं जाते हो? देखिए ये जो पूरे जो सेवा दल के कार्यकर्ता हैं ये यहाँ से निकल रहे हैं और कुछ ही देर में ये बीजेपी ये जो प्रोटेस्ट है वो बीजेपी तक जाएगा और बीजेपी के सामने जो है इन कार्यकर्ताओं का जो सेवा दल का कार्यक्रम है कि पीपे बजाएंगे। आज आप लोग किस लिए आए हैं यहाँ पर? सर महंगाई की जो मार हम पर पड़ रही है, जो नोटबंदी से शुरू हुई और मोदी जी की सरकार जब से आई तब से लेकर जो मार हम पे पड़ रही है, आप सोचिए कि 64 बार पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए और मार तोड़ दी, कमर तोड़ दी इस कोरोना ने और उसके मोदी सरकार ने, क्या जिंदगी बर्बाद करके रख दी है आम जनता की। और आम जनता अब चुप नहीं रहेगी और ये जो सेवा दल है ये मार मार के बताएगा लोगों को और अपनी शांति यज्ञ करके बताएगा कि किस तरीके से मोदी सरकार ने हम लोगों को लूट लिया है। तो देखिए ये आप मार्च देखिए, ये सेवा दल की ओर से मार्च निकल रहा है और जिस तरीके से महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन ऊँट गाड़ी लाकर, देखिए ऊँट गाड़ियों पर जो है वो ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले हैं और पीछे पीछे देखिए ये जिस तरीके से शव यात्रा जो है सिलेंडर की निकाली जा रही है। एम सिंह जी आज आप लोग ये शव यात्रा निकाल रहे हैं, आगे ऊँट गाड़ी है, क्या कहना चाहते हैं, मैसेज क्या? हमारा सीधा मैसेज ये है कि अभी ये महंगाई नहीं चलने वाली है, अब इनके बीजेपी के लच्छेदार भाषण नहीं चलने वाले हैं। ये कहते हमने 10 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना दी मुफ्त में, अरे मुफ्त में तो दी लेकिन सिलेंडर 900 का कर दिया, इसलिए अब वो माताएं बहनें बीपीएल गरीब वो सिलेंडर खरीद ही नहीं सकती, इसलिए हमने इस सिंबॉलिक सिलेंडर की शव यात्रा निकाली है। मोदी जी को ये मैसेज दिया है कि आपकी उज्ज्वला योजना फेल है, आपके दिए हुए सिलेंडर शव यात्रा में काम में आ रहे हैं, खाना पकाने के काम में नहीं आ रहे। ये ऊँट गाड़ी जो चल रहे हो, आने वाला समय इस तानाशाह शासक की वजह से जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल बढ़ रहा है, शायद वापस ऊँट गाड़ी पे ये भारत आ जाए। ये मैसेज हम जनमानस का जो मैसेज है वो जनमानस तक पहुंचाना चाहते हैं। ये पीपे लाए हैं, थाली लाए हैं, शंख लाए हैं, ताली लाए हैं और उनको जगाने आए हैं, वो जागे। तो देखिए बीजेपी मुख्यालय जो है वहाँ आ चुके हैं ये सेवा दल के जो कार्यकर्ता थे, तमाम कार्यकर्ता बीजेपी के जो हैं यहाँ पहुँच चुके हैं बीजेपी के कार्यालय तक। जिस तरीके से जो प्रदर्शन किया जा रहा है, अभी 2 दिन पहले जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ था उस प्रदर्शन में जिस तरीके से आमने सामने की स्थितियां बनी थी, आज ऐसी स्थिति नहीं बने उसके लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। और ये जो देखिए सेवा दल के जो तमाम कार्यकर्ता है ये आगे निकल रहे हैं, पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग कर दी है ताकि कोई भी व्यक्ति जो है अंदर की तरफ नहीं जा पाए। लेकिन ये जिस तरीके से यहाँ पर पहुँचे हैं तमाम जो कार्यकर्ता हैं सेवा दल के, जो सेवा दल के नेता है वो यहाँ पहुँचे। देखिए ये बीजेपी कार्यालय का बिल्कुल सामने के हालात हैं, बीजेपी के कार्यालय के सामने जिस तरीके से नारेबाजी की जा रही है बीजेपी कार्यालय, ये देखिए बीजेपी कार्यालय के सामने ये तमाम जो नेता देखिए यहाँ पर सेवा दल के बीजेपी कार्यालय के सामने खड़े हो गए और ये कह रहे हैं ताली और थाली लेकर आए हैं बीजेपी के सामने। जिस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है और नारेबाजी की जा रही है, अब इस सेवा दल के लोगों को जो है पुलिस की ओर से हटाया जा रहा है। देखिए पुलिस ने जो है सेवा दल के लोगों को यहाँ से हटा दिया है। सेवा दल जिस तरीके से ये प्रदर्शन कर रहा है और ये स्थितियाँ लगातार बन रही है 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, इसी तरीके से सेवा दल समेत कांग्रेस के सभी संगठन प्रदर्शन करेंगे। ये देखिए यहाँ से ये सेवा दल के कार्यकर्ता निकल गए हैं और जिस तरीके से प्रदर्शन की बात की जा रही थी यहाँ प्रदर्शन किया गया है। ये तमाम जो सेवा दल कार्यकर्ता है अब बीजेपी से निकल रहे हैं। देखिए अब तो है बीजेपी के जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो भी नारेबाजी करने आ गए। ये देखिए यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं और देखिए जिस तरीके से ये आमने सामने की स्थितियाँ ज़्यादा तो नहीं बनी है लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता
बाहर निकल कर आए हैं वो प्रदर्शन करने की जो है वो बात कर रहे हैं, और सीधे तौर पर पुलिस से ये कह रहे हैं कि यहाँ से सेवादल के लोग जो बीजेपी के कार्यालय के सामने आए हैं उनको यहाँ से निकाला जाए। तो जिस तरीके से इधर बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, देखिए ये बीजेपी के लोग हैं जो अपनी नाराज़गी दिखा रहे हैं, और जो सेवादल के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं शांतिपूर्वक तरीके से। जिस तरीके से उन्होंने पीपे बजाने की बात थी वो पीपे बजा चुके हैं, शव यात्रा निकाली है, और ये शव यात्रा जो है अब यहाँ से निकल गई है, जो सिलेंडर की शव यात्रा इन्होंने निकाली थी। अब जिस तरीके से प्रदर्शन जो है सेवादल की ओर से किया गया, बीजेपी कार्यालय यहाँ पहुँचे, आमने सामने होने की बात थी, आमने सामने तो नहीं हुए, लेकिन कुछ कार्यकर्ता जो है वो अपनी नाराज़गी दिखाते हुए ज़रूर दिखाई दिए। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए अजीत शेखावत।